दोस्तों देखिए, इससे बनाए ड्रीम इलेवन टीम जाने पिच रिपोर्ट और प्लेइंग इलेवन। उसके बाद दोस्तों देखिए, 34वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 34वां मुकाबला एलएसजी और एससीएसके के बीच 19 अप्रैल को खेला जाएगा। यह मैच इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ऐसे में हम आपको पिच रिपोर्ट और प्लेइंग इलेवन बताने वाले हैं, तो भाई आप लोग बन रहेगा। तो जो भी मैं आपको बताता हूँ काफी 99% यानी कि मान के चलिए 100% जो है सही है, तो आप लोग देखिएगा। उसके बाद ये देखिए, आईपीएल 2024 के 34वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स से समान लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली सीएसके ने इस सीजन में अभी तक 6 मैच खेले हैं और उनमें से 4 जीतें हासिल की है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने अभी तक अपने 6 में से 3 मुकाबले जीते हैं। फिलहाल दोनों टीम अच्छी लय में दिख रही है, इसलिए दर्शकों को इस मुकाबले में काफी दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल सकती है। इस मौके पर हम आपको लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग ड्रीम इलेवन टीम पिच रिपोर्ट और प्लेइंग इलेवन बताने वाले हैं। आइए जानते हैं क्या है आगे, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स से ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन। उसके बाद देखिए, यहां चेन्नई के जितने भी प्लेयर हैं यहां सब कुछ मेंशन किया गया है। विकेट कीपर, उसके बाद बल्लेबाज, ऑलराउंडर, गेंदबाज, तो यहाँ सब कुछ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ सब कुछ शो हो रहा है। जितने बल्लेबाज खेलेंगे, उसके बाद विकेट कीपर कितने हैं, ऑलराउंडर कितने हैं, तो यहाँ सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैं आपको आगे चलता हूँ, दिखाता हूँ। तो फिलहाल देखिए, ये लखनऊ का है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स से पिच रिपोर्ट। सबसे मेन पॉइंट होता है, सबसे बेहद जरूरी होता है पिच रिपोर्ट। यदि आपको पिच रिपोर्ट नहीं पता रहेगी तो टीम बनाना मुश्किल हो जाता है और आप जो है कभी जीत नहीं पाएंगे। यदि आपको टीम बनानी है, मैच जीतना है, तो आपको सबसे मेन पॉइंट होता है पिच रिपोर्ट जानना। पिच रिपोर्ट कैसी रहेगी, बॉलिंग पिच है या बैटिंग पिच है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको टीम को बनाना है। तो कैसे क्या है, तो आगे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। ये देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ की पिच बल्लेबाजों के लिए इस सीजन में काफी आइडियल साबित हुई है। इस ग्राउंड पर पहले 2 मैच में से बल्लेबाजों ने काफी रन बनाए हैं। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच धीमी हो जाएगी, जिसके चलते स्पिनरों को मदद मिलेगी। यहां टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी। तो फिलहाल दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है अच्छी खासी बैटिंग देखने को मिल सकता है। जो पहले टॉस जीतेगा वो बल्लेबाजी करने की सोचेगा, तो फिलहाल आप लोग उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको टीम को लगाना है। तो आप मान के चलिए जो है बैटिंग पिच है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको टीम को बनानी है। उसके बाद उससे देखिए, दोनों टीमों का यहाँ नाम मेंशन किया गया है, जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं, तो आप यहाँ से जो है देख सकते हैं। चेन्नई बनाम लखनऊ जो भी है, आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से प्लेयर इसमें शामिल हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। राजस्व जो भी था मैंने आपको बता दिया है। पिच रिपोर्ट कैसी है, तो बेहद जरूरी हो जाता है। यदि आप न्यू टीम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो आपको पिच रिपोर्ट जाननी है, यानी बताया जा रहा है बैटिंग पिच है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है टीम को लगानी है, बनानी है। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। जय हिंद।